आप देख रहे हैं द इंडियन समाचार, नो कॉम्प्रोमाइज, ओनली न्यूज। डराने लगा समंदर का शोर, तबाही के निशान दिखे हर ओर, तट से टकराया तूफान, टूट पड़ा आसमान, उड़ीसा बंगाल में तूफानी हवाओं का दिखा कहर, बंगाल की खाड़ी से उठा साइक्लोन यास उड़ीसा के करीब आने से पहले ही सुपर साइक्लोन बन चुका था। समंदर के ऊपर खौफनाक तरीके से घूमते इस साइक्लोन का कहर तय समय से पहले ही शुरू हो गया। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि यह दोपहर 1 बजे तक उड़ीसा तट को पार करेगा, लेकिन अपनी रफ्तार से इसने सबको चौंका दिया। सुबह 9 बजे से ही पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई इलाकों में जोरदार बारिश शुरू हो गई। ये संकेत था कि लैंडफॉल शुरू हो चुका है। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के दीघा की है। यास तूफान की वजह से समंदर में ऐसा उफान आया कि पास की बस्ती को डुबोने समंदर का पानी बस्ती में आ गया। मकान डूब गए, दुकानों में समंदर का पानी भर गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तुरंत सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। यास को सुपर साइक्लोन यूं ही नहीं कहा जा रहा था, इसके साथ चल रही हवा की रफ्तार इसकी तस्दीक कर रही थी। 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा सब कुछ तहस नहस करने पर तुली थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक चक्रवात यास उड़ीसा के बालासोर के करीब तट को पार करने की दिशा में बढ़ रहा था, लिहाजा सबसे भारी बारिश उड़ीसा से सटे पश्चिम बंगाल में और खुद उड़ीसा के भद्रक जिले में हो रही थी। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, हल्दिया और दीघा में तूफानी बारिश ने तबाही मचाई। वहीं इसका सबसे ज्यादा असर उड़ीसा के बालासोर और भद्रक जिले में पड़ा। उड़ीसा के तटीय इलाकों को समंदर ने जलमग्न कर दिया। ये उड़ीसा के धामरा की तस्वीरें हैं। चक्रवात यास के टकराने के 24 घंटे पहले से ही यहां बारिश हो रही थी। जब चक्रवात यहां से कुछ दूर बालासोर के पास टकराया, तब तक ये इलाका पूरी तरह से डूब चुका है। चक्रवात से खतरे को देखते हुए बंगाल और उड़ीसा में 12 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाबाना में चक्रवात यास को देखते हुए जिला अधिकारियों, जिला प्रबंधन कमेटी और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी 28 मई को पूर्वी मिदनापुर का दौरा करेंगी। फिलहाल बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाने वाला ये तूफान अब झारखंड की ओर बढ़ चुका है। चेतावनी है कि झारखंड और बिहार ही नहीं, अगले 2 दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की आशंका है।